Hello guys, my name is AJ and you're watching Wrestle AJ. गाइस, जैसे कि हम लोग मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में देख के आ रहे हैं कि जो कि हमारे ड्रू मैकइंटायर गाइस, उनका जो गुस्सा है गाइस, वो डे बाय डे इतना बढ़ गया है कि गाइस अभी तो गाइस वो दिमाग को कंट्रोल ही नहीं कर पाते। उन्होंने गाइस पहले सैमी जेंग को इतना गंदा पटक के मारा कि अभी सैमी जेंग कुछ वक्त के लिए WWE से बाहर हो गए है, और फिर उन्होंने जे उसो को भी टेबल के ऊपर पटक के मारा, और जे उसो की तभी मदद करने सेथ रॉलिंस आ रहे, तभी सेथ रॉलिंस को भी उन्होंने पटक के मारा, जिसके चलते अभी देख के लग रहा है कि हमको रॉयल रंबल में एक बहुत ही बड़ा रीमैच देख सकता है फॉर द WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, जहां पे हमारे सेथ रॉलिंस उनकी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप डिफेंड करते हुए देख सकते हैं अगेंस्ट द स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकइंटायर। क्योंकि गाइस जैसे उन्होंने देखा है कि गाइस WWE वालों ने गाइस सेथ रॉलिंस को और ड्रू मैकइंटायर को आमने सामने रखा इन द कमिंग वीक्स, देख के लग रहा है रॉयल रंबल में बड़ा मैच होते हुए दिखने ही वाला है। क्या हमको पॉसिबली ये मैच में दिख सकता है एक बहुत ही बड़ा टाइटल चेंज, तो कुछ चांसेस तो अच्छे खासे है कि हमको ड्रू मैकइंटायर वर्ल्ड चैंपियन बनते हुए दिख सकते हैं। लेकिन गाइस अभी जो सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक की रिपोर्ट आई है वो देख के तो नहीं लगता कि सेथ रॉलिंस अभी के लिए तो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप हारने वाले है, इसलिए चांसेस अच्छे खासे है कि हमको सेथ रॉलिंस ये मैच में जीतते हुए दिख सकते हैं, और हमको सक्सेसफुल उनकी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप रिटेन करते हुए दिख सकते हैं एट रॉयल रंबल 2023। और गाइज अगर सर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ये वीडियो को कीजिए लाइक, और गाइज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं, जिसके वजह से आपको हमारे चैनल के रिलेटेड सब अपडेट्स सबसे पहले मिले।